हेलो दोस्तों, आज जो हम आपको क्लास करवाने वाले हैं, जो झारखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, और उसमें जो मैथ का क्वेश्चन पूछा था, वो सारा क्वेश्चन हम अभी करवाने वाले हैं इस वीडियो में, और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको क्लास देंगे। और ये भी बताएंगे कि जो झारखंड पुलिस और जो झारखंड दुर्गा का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो झारखंड पुलिस का जो क्वेश्चन का लेवल था वो झारखंड दुर्गा से कितना फर्क था, ये भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और फ्रेंड, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास करवाते हैं, नंबर मेरा शो करता होगा, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। मेरा कोचिंग चलता है हजारीबाग में, बाबूगांव चौक है, वहीं हम पढ़ाते हैं, मेरा अपना कोचिंग है, तो आप यहाँ आके क्लास भी कर सकते हैं। आप झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ आके क्लास कर सकते हैं, झारखंड दुर्गा की भी तैयारी करना चाहते हैं यहाँ आके क्लास कर सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए फ्रेंड, हम अभी जो बताने वाले हैं वो आपको हम बताने वाले हैं कि झारखंड पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा था, यानी झारखंड पुलिस 2015 में आया था और 2016 में एग्जाम हुआ था, 2016 में जो एग्जाम हुआ था और उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो लेवल हम आपको बताने वाले हैं। तो हम आपको जो झारखंड पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम का डेट भी हम आपको बता देते हैं। तो एग्जाम हुआ था 30 जनवरी 2016 को हुआ था, 30 जनवरी 2016 में एग्जाम हुआ था झारखंड पुलिस के, 30 जनवरी 2016 को एग्जाम हुआ था। और उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन है और हार्ड भी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, आपका क्वेश्चन जो पूछा था यहाँ कि 243 क्या 243 बट्टा 32 है, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ, क्या है ब्रैकेट दिया हुआ है और लिखा है 2/5, कितना 2/5, 2/5, 2/5 लिखा हुआ। अब इसमें से आपको आंसर देना है कि आंसर आप बनाइए, एकदम सिंपल सा सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, ये आपको झारखंड पुलिस में पूछा हुआ सवाल था, तो इसके लिए घबराना नहीं है। हमको पता है कि ये है 2^5 पे बराबर आता है 32, इसको क्या करना रहता है, हमको एलसीएम लेना रहता है। जैसे दोनों को जो एलसीएम हम देंगे, यहाँ एलसीएम किसका किसका लेंगे, 243 का और 32 का, तो 243 के आगे हम एलसीएम लेते हैं और फिर 32 का भी हम लोग एलसीएम लेते हैं। यहाँ देखिए, एलसीएम लेते हैं तो 2 × 6 और 6 × 3 9, यानी 3 से कट जाएगा, तो 3 × 8 = 24 हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया, फिर काटिए तो कट जाएगा कितना आएगा 27 आ जाएगा, फिर काटिए 3 से कितना आएगा 9 आएगा, फिर काटिए कितना आएगा 3 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 3 × 5 लिख सकते हैं, ऊपर में 243 से 3 × 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 32 का भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 2 से काटिए तो कितना आएगा आपका 16, फिर 2 से काटिए कितना आएगा आपका तो 8 आएगा, फिर 2 से काटिए 4 आएगा, फिर 2 से काटिए 2, यहाँ कितना 1 2 3 4 5, 2 × 5, यहाँ आप 2 × 5 लिख सकते हैं और बटा है यहाँ 2/5। अब देखिए, यहाँ 5 ऊपर नीचे है तो डायरेक्ट 5 बाहर चला जाएगा, क्या होगा 5 बाहर हो जाएगा, 3/2 फिर सिंगल हो जाएगा यहाँ 5, और 5 हो जाएगा यहाँ जो बटा में था वो आपस में गुना हो जाता है, तो 5 से 5 कर दिया, नहीं 3/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 3×3 = 9, 9/4 हो जाएगा, कितना जाएगा 9/4 हो जाएगा आंसर, कितना जाएगा तो 9/4 हो जाएगा आंसर, 9/4 हो जाएगा आंसर। तो चलिए फ्रेंड, ये हम आपको पहला क्वेश्चन बता दिए, अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो है, देखिए आपका जो झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस में, आपका जो झारखंड दरोगा 2017 में जो हुआ था, तो 2017 से आपका झारखंड पुलिस में ही हार्ड क्वेश्चन था, झारखंड दरोगा में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था और झारखंड जो पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें हल्का हल्का हार्ड क्वेश्चन आपको दिया था। चलिए हम आते हैं आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, और सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है मेरा वो है दो वृत्तों का, क्या है दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वो जो क्षेत्रफल है आपका वो दिया हुआ है आपका 81 और 131, 81 और 131 दिया हुआ है क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हम यहाँ तो पाई आर स्क्वायर। अब हम एक और दो वृत्त के बारे में बात किया है, अनुपात का मतलब होता है रेशियो का मतलब होता है बटा, तो इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर ले लेते हैं। अब ये दोनों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो ऊपर वाला का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 81 और नीचे वाला दिया हुआ है 121, है ना 121। अब यहाँ देखिए, पाई से पाई काट दीजिए, अब आर स्क्वायर सिंगल पे
पावर आएगा, सिंगल पावर आएगा, और जो पावर है सीधा इधर रूट में चला जाएगा, यानी आर बट्टा आर बराबर हो जाएगा रूट 81/121। अब इसको आप तोड़िएगा कितना आएगा आपका, तो आ जाएगा ये 9 का है और ये 11 का है, 9/11, यानी दोनों का त्रिज्या कितना निकला, 9/11। दोनों के त्रिज्या का अनुपात पूछा था, इसका डायरेक्ट हो जाएगा आपका आंसर 9/11। क्या हो जाएगा, तो 9/11 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला सवाल भी आपका ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही है। यहाँ बोलता है बेलन का, है ना, बेलन का, बेलन का बोलता है त्रिज्या दिया हुआ है 3:1 बेलन। देखिए ज्यादातर क्षेत्रफल से झारखंड पुलिस में आपका क्वेश्चन दिया है, और क्षेत्रफल से एक नहीं बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल से ही क्लियर दिया है। यानी कहने का मतलब, यहाँ देखिए अगला सवाल होता है समान आयतन का, मतलब समान आयतन का 2 सिलेंडर है, समान आयतन, जिसके समान आयतन, तो आयतन का अगर हम जानते हैं कि आयतन बराबर क्या सूत्र होता है आपका बेलन का, तो समान बोला तो यहाँ होता है क्या होता है, होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और दूसरा जो सिलेंडर है उसको भी हम क्या करते हैं यहाँ, तो इसका जो हम निकालते हैं दोनों का त्रिज्या भी अलग है, यहाँ सब कैपिटल में लेते हैं, यानी पाई डबल आर मतलब बड़ा वाला आर स्क्वायर एच हो गया। यानी दोनों का सूत्र हम बिठा दिए, क्या कि दोनों का बोला था आयतन बराबर है, आयतन बराबर इसी का बराबर बिठा दिया। अब यहाँ देखिए पाई से पाई कट गया, पाई से पाई मेरा कट गया, और यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 3 और 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 और 1, तो 3 की कितना का 3 3 9 हो गया, 9 एच हो गया, और इधर 1 आया तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, यानी एच हो गया बड़ा एच। तो यहाँ आप देखिए, तो फिर बोला है इनके ऊंचाई का अनुपात, इनके ऊंचाई का अनुपात तो क्या हो जाएगा, छोटा एच बटा बड़ा एच बराबर हो जाएगा 1/9, क्या इधर 9 गुना में इधर आ गया भागा में, तो यानी 1:9 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा, तो 1:9 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखें गलती कीजिएगा कि आप 9:1 लिख दीजिएगा। चलिए 17 नंबर हम आपको बना दिए, 17 नंबर बना दिए। अब हम अगला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, मतलब ये जो हम आपको तीसरा क्वेश्चन बना दिए, 17 नहीं तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दिए, अब हम अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो था मेरा वो था आपका प्रतिशत से, क्या था प्रतिशत से आपका क्वेश्चन था, और इसी प्रकार एक दो वीडियो और हम देखें झारखंड पुलिस से जो मैथ क्वेश्चन पूछा था, आज संभव नहीं है कि हम टोटल क्वेश्चन हम आपको करवा पाए। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन मेरा तो क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं बोलता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य का 15% छूट देकर, अंकित मूल्य का 15% छूट देकर और 680 में बेचता है, 680 में बेचता है, बोलता है वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मानते हैं अंकित मूल्य मान लेते हैं यक्ष, और यक्ष से कितना परसेंट, तो 15% आपको एक छूट देता है, कभी भी छूट देता है, तो हम लोग क्या करते हैं 100 से माइनस करते हैं, क्या करते हैं 100 से हम लोग माइनस करते हैं, तो 100 में हम 15 घटाएंगे आएगा 85, यानी 85/100 बराबर कितना में बेच रहा है 680 में। कभी भी अंकित मूल्य दिया वाले, अंकित मूल्य होता क्या है ये जानिए, यानी कभी भी हम मॉल वगैरह जाते हैं और मॉल वगैरह में जो दाम लिखा हुआ रहता है और उस पर 30% या 40% छूट दिया जाता है, तो छूट देना यानी डिस्काउंट, छूट का मतलब होता है डिस्काउंट इंग्लिश में, तो कहने का मतलब है कि वो छूट तो दे रहा है उसके बाद भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो जो दाम जो लिखा हुआ है उस टैग पे, तो वही उसी को बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। अंकित मूल्य के बोला यहाँ 15% डिस्काउंट दे लेंगे, है ना, तो कभी भी अंकित मूल्य में 100 में 15 घटता है, यहाँ 85/100 कर दिए, यानी कहने का मतलब है कि वो 15% लेस कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास 85%, इसी का हम लोग घटाते हैं यहाँ 85%, तो कितना में बेचा, तो 680 में, यानी 680 रुपया में। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो काटते हैं 5 से, तो कितना आएगा 17/20 आएगा, और 17 काट दिया गया 17/6 यानी 40, ये दोनों के भागा है तो गुना हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना जाएगा, तो 20 के 4 से गुना कर दिया कितना जाएगा, तो आपका 4 × 8 यानी 800 आपका आ गया। चलिए सवाल यहाँ बोला है कि 36 है, उस पर 6 आपका 0 है, और बोलता है क्वेश्चन कि इसको वर्गमूल निकाला जाए, क्या निकाला जाए वर्गमूल निकाला जाए, यानी कहने का मतलब है रूट तोड़ा जाए, क्या कर किया जाए तो रूट तोड़ा जाए, और तोड़ने के बाद शून्य कितना रहता है, पूछता है शून्य का संख्या कितना होगा वर्गमूल निकालने से। देखिए आपका 36 के हो जाएगा 6 वर्गमूल, और 00 के बदले 10 निकलेगा,
फिर डबल जीरो के बदले एक जीरो निकलेगा, फिर डबल जीरो के बदले एक जीरो निकलेगा। वर्गमूल का रूल होता है कभी भी हम किसी संख्या को रूट तोड़ते हैं तो डबल के बदले एक निकलता है, डबल के बदले एक निकलता है। यहाँ 6 6 36 आता है, डबल 6 के बदले 1 6 निकला, तो कितना शून्य रह गया, तो आपका 3। इसका भी आंसर कितना हो गया आपका, तो 3 हो गया आंसर। क्या हो गया आपका, 3 हो गया आपका आंसर। अब चलिए फ्रेंड हम आपको अगला सवाल बताते हैं, और अगला सवाल हल्का हट के है, यानी कहने का मतलब है कि एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल है। अगला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है उसको हम अपना भाषा में क्वेश्चन को समझाते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीका से हम उस क्वेश्चन को हम आपको समझा पाते हैं। तो 50 से लेके 58 है ना, क्या है, 50 से लेके 58 यानी 50 से देखिए, मेरा कोचिंग हम पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में मेरा 50 से 58 के 20 कैंडिडेट है। अब क्या होता है, सभी को हमको पिकनिक ले जाना है, क्या करना है, पिकनिक ले जाना है, है ना, और पिकनिक ले जाना है। और जो 50 से 58 के जो 20 कैंडिडेट था, यहाँ हम बनाते हैं 50 से जो 58 के 20 कैंडिडेट था, और सभी को वो पिकनिक ले जाना है, और उसका एक समूह में हम बांटते हैं, एक समूह में बांटते हैं, जो समूह का जो संख्या है 2 3 2 3 4 और 5, 2 या 3 या 4 या 5। और प्रत्येक कभी भी, कभी दो समूह बनाते हैं उसके बाद भी कुछ लड़का बच जाता है, 3 समूह बनाते हैं उसके बाद भी कुछ लड़का बच जाता है, 4 समूह बनाते हैं उसके बाद भी कुछ लड़का बच जाता है, 5 समूह भी बनाते हैं उसके बाद भी कुछ लड़का बच जाता है। अब मेरा जो लड़का है वो 50 से लेकर 58 के बीच में ही लड़का है, तो ये जो क्वेश्चन बनेगा ये ऑप्शन थ्रू बनेगा, क्या है, ऑप्शन थ्रू बनेगा। तो ऑप्शन थ्रू कैसे बनेगा, यहाँ से दिया हुआ है पहला ऑप्शन 51 नंबर, ये नंबर में बी में आपका दिया हुआ है आपका 53 नंबर, और सी में दिया हुआ है 55, और डी में आपका दिया हुआ है 57। तो हमको देखना है कौन इसमें कटेगा, जो कटेगा वो आंसर नहीं होगा कभी भी। कहीं यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट बन गया था कि ये समूह बनाने पर कुछ ना कुछ लड़का बच जाता है, और वो पूरा पूरी भाग लग जाएगा तो समझो कि वो होगा ही नहीं आंसर। जैसे 51 देखो 5 1 6, ये आपका 3 से कट रहा है, तो ऑटोमेटिक आंसर आपका नहीं होगा। 5 7 12 देखो, ये भी आपका 3 से कट जा रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखो 5 से आपका 55 कट जा रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। कौन आंसर हो जाएगा आपका, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी आपको हम अगला सवाल फिर हम बताते हैं, तो अगला सवाल जो मेरा है वो है समबाहु से, समबाहु से। यहाँ क्या बोलता है कि अगर 20 सेंटीमीटर भुजा वाला, क्या बोलता है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिकोण, त्रिकोणों में उसके भुजाओं के छुते में एक वृत्त बनाया जाता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला जानिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसका तीनों कोना बराबर हो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों कोना बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी कहने का मतलब है कि जैसे तीनों कोना आपका बराबर है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब बोलता है इसकी इसको छूते हुए एक वृत्त बनाता है, कहा इसको छूते हुए एक वृत्त बनाता है, तो बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, क्या बोलता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, वृत्त का क्षेत्रफल। यानी यहाँ बीच में, और जो बीच में जो त्रिज्या है वो समबाहु त्रिभुज का भी है, इसका भी दोनों का एक होगा, इसका हमको त्रिज्या निकालना है। तो क्या होता है इसका त्रिज्या, तो कभी भी जो त्रिज्या होता है वो आपका आता है, सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का, जो त्रिज्या होता है अभी नोट डाउन कर लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का त्रिज्या होता है ए, मतलब समबाहु त्रिभुज के भुजा बराबर होता है 2√3। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के भुजा बराबर 2√3 होता है। यहाँ देखिए आपका ये आर बराबर किसका, वृत्त के त्रिज्या बराबर होता है समबाहु त्रिभुज के भुजा बटा 2√3। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी अंतवृत्त के बारे में बात करें, यानी अंतवृत्त, और यही इसी प्रकार के क्वेश्चन को बाहरी वृत्त के बारे में बात करता, यानी बाहरी वृत्त ऐसे बनेगा गोल गोल, बाहरी वृत्त के बारे में हम बात करते हैं। ये आपका झारखंड IRB में भी पूछा था, झारखंड के IRB में भी एक क्वेश्चन पूछा, अंतवृत्त का त्रिज्या होता है ए 2√3, और वही को बोलता बाहरी वृत्त, मतलब बाहरी वृत्त तो हो जाता कितना a√3, क्या हो जाता है a√3, अंतवृत्त रहेगा तो a√3 हो जाएगा, और बाहरी वृत्त रहेगा तो a√3। अब बोलता है कि यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है πr² होता है, ताकि हम इसको यहाँ a का मान बैठा देंगे, a का मान कितना दिया होता मेरा 20 दिया होता, तो 20√3, तो 2 से कट गया कितना गया आपका 10, तो 10√3 आ गया, 10√3 आ गया आपका r बराबर वृत्त का, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका πr², क्या होता है πr², पाई होगा 22/7 गुने
यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन आपको डायरेक्ट पाई में दिया हुआ है, तो पाई के मान नहीं भी बैठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग पाई डायरेक्ट लिख देते हैं, पाई डायरेक्ट लिख देते हैं, और आर स्क्वायर पर कितना 10 10√3, तो 10√3 एक सेकेंड 10√3 10√3 10√3 10√3। अब यहां गुणा करेंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा 100, हो जाएगा 100 पाई, और √3 के √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, यानी 100/3 आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 100 पाई/3 आपका आंसर आएगा। तो चलिए फ्रेंड, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनका पूरा बेसिक भी वीक है उनके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना के देंगे, जो रेगुलर आपको एक ना एक वीडियो मिलते रहेगा। उधर हम कुछ बिजी थे इसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा और संपर्क कर लीजिएगा, वो बहुत बेहतरीन तरीका से आपको तैयार कराया जाएगा, यानी आपको झारखंड पुलिस और झारखंड दोनों का पूरा फुल ट्रेनिंग दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।